नमस्कार। लोग कहते हैं कि दूसरों की गलतियों को माफ करो, आप खुश रहोगे। अच्छी बात है, दूसरों की गलती है, कोई कर लेता है और आप उसको माफ कर देते हो, ठीक है, मन हल्का हो जाता है, डेफिनेटली आई अग्री। लेकिन उससे पहले पता है आपको, आप दूसरों को माफ करते हो, उससे पहले खुद को माफ करना कभी सीखा है आपने? बहुत से लोग दूसरों को माफ करके खुश हो जाते हैं और मन को हल्का कर लेते हैं, लेकिन कभी खुद को माफ नहीं कर पाते। अंदर ही अंदर मन को कचोटते रहते हैं और अंदर ही अंदर मन को दुखी करते रहते हैं। अब कैसे करते हैं देखिए, या तो समाज में उन्होंने कोई गलती कर ली तो बार बार मन में दुखी होते रहते, यार मैंने वो गलती क्यों की, बस बस। या अपने दोस्तों में बीच में बैठे हुए कोई गलती या कोई मिस्टेक कर लेते, वो भी सोचते हैं, बस अपराध बोध करते हैं, वो मैंने ऐसा काम क्यों किया यार। मतलब अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं, किसी को कहते नहीं, अंदर ही अंदर घुटन होती रहती है। या कहीं बिजनेस के क्षेत्र में ऐसा कोई बात हो जाए तो बस उसको लेकर अपने अंदर ही अंदर मतलब महीनों तक बस घुटन होती रहती और शर्मिंदा होते रहते और दुखी होते रहते। या किसी सोसाइटी में या कहीं पे भी कुछ भी अगर गलती हो जाए तो अपने आप को माफ नहीं कर पाते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो मन ही मन अपने मन को बड़ी भारी पत्थर रख लेते और बस दुखी होते रहते, यार काश मैं वो गलती नहीं करता, काश मैं ऐसा नहीं करता। अरे यार, आप दूसरों को तो माफ कर रहे हो, अपने मन को हल्का कर रहे हो, तो अपने आप को भी तो माफ करो। जो इंसान अगर अपने आप को माफ कर लेता है ना और उस गलती को एक्सेप्ट कर लेता है और आगे बढ़ता है ना, वह जीवन में कभी नहीं रुकता है। और नो वन कैन स्टॉप हिम, उसे कोई रोक भी नहीं सकता है। अपनी गलती हुई तो उसे एक्सेप्ट करें, स्वीकारें और आगे बढ़ें। शर्मिंदा मत होना। अगर उस गलती को लेकर आप हमेशा शर्मिंदा होते रहोगे, बार बार उसे थिंक करते रहोगे, तो व्हाट हैपन, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसको स्वीकार करो और आगे बढ़ो। बड़े बड़े लोग हुए, उनसे भी गलतियां हुई, लेकिन वो उस गलतियों को लेकर बैठे नहीं रहे, शोक नहीं मनाते रहे। वो उस गलती को स्वीकार करा और उस गलती से सीखा और आगे बढ़ा। मैं आपको दो सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा, बहुत ही बड़े लोगों का। उनसे भी गलतियां हुई, लेकिन उन्होंने गलती स्वीकार की और आगे बढ़े। ऐसे थोड़ी क्या गलती को लेकर बैठ गए और बस मैंने गलती क्यों की, बस ऐसे बार बार रिग्रेट करते रहे। नहीं, ऐसा नहीं किया उन्होंने। विश्व के सबसे बड़े इन्वेस्टर, नाम सुना होगा आपने, वॉरेन बफे, यूएस के। उन्होंने भी एक बार, उनका इंटरव्यू आया था एक मैगजीन में, उन्होंने भी कहा था, मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी, बर्कशायर हैथवे कंपनी में शेयर खरीदे। और क्यों खरीदे? क्योंकि उस कंपनी के शेयर मुझे बिल्कुल सस्ते भाव मिल रहे थे। वो एक टेक्सटाइल कंपनी थी और एक समय था वो बहुत ही सस्ते से सस्ते मिल रहे थे, और मैं उसे खरीदते जा रहा। वो मेरी गलती हो रही थी, मुझे पता ही नहीं। और अंत में एक समय ऐसा आया, वो कंपनी इतनी नुकसान में गई और कंपनी मुझे बेचनी पड़ी। वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। तो क्या हुआ? वॉरेन बफे वहीं बैठ गए, वहीं रोते रहे, आगे नहीं बढ़े। क्या उन्होंने अपने आप को माफ किया? सबसे पहले अपने आप को माफ किया, गलती को एक्सेप्ट की और फिर गलती को स्वीकार की और गलती को सुधार कर आगे बढ़े। वहीं नहीं रुके रहे वो। रतन टाटा नैनो कार बनाई, सबसे सस्ती कार और किफायती कार भारतीय लोगों के लिए बनी, 1,00,000 रुपए में। लेकिन क्या हुआ? उसकी ब्रांडिंग, उसकी मार्केटिंग में गलती कर दी कंपनी ने। उस कार को सबसे सस्ती कार कहकर बेचा। लोगों ने सोचा, यार ये तो सबसे सस्ती कार होगी, लोग किसी लोगों ने नहीं खरीदा, और आखिरकार नैनो प्लांट बंद करना पड़ा। तो क्या हुआ? रतन टाटा ने कार का बिजनेस बंद कर दिया? नहीं, अपनी गलती को स्वीकार की और गलती से सीख ली और आगे बढ़े। और आज रतन टाटा की कारें भारत के सेल्स में नंबर दूसरे के मामले में है। नंबर वन पर मारुति की सेल्स होती है और नंबर टू पर रतन टाटा की कारें बिकती है। तो गलती हर इंसान से होती है, गलती को स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो और हां कहो कि मुझसे गलती हुई। सबके सामने कहो कि हां मुझसे गलती हुई है। बस उस गलती को एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, उसे सीखो और आगे बढ़ो। बार बार उस गलती को लेकर शोक मत मनाते रहो। गलती हो गई तो ये दो बातें याद रखना,
गलती से कभी शर्मिंदा मत होना, सबके सामने गलती को स्वीकार करना। हां मैंने ये कार्य किया और मुझसे ये गलती हुई, लेकिन उस गलती को मैं स्वीकार करूंगा, उस गलती को मैं सुधार करूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। बस जब भी गलती हो तो अपने आप को माफ करें, गलती को स्वीकार करें और आगे बढ़ें।